जय माता की। फ्रेंड्स, आप सभी को आने वाले शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि दिखाने वाली हूं। देखिए, आज के समय में हम सभी वर्किंग है, चाहे जेंट्स हो या लेडीज, सभी के पास समय का भाव रहता है। तो हाउस वाइफ है तो वो बच्चों में बिजी रहती है, स्टूडेंट्स है वो स्टडी में बिजी रहते हैं। समय की कमी के कारण पूजा हम विस्तृत रूप से नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एकदम से आसान पूजा विधि लेकर आई हूँ। तो देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान आदि करने के बाद आप पूजा को अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, या आप अलग से चौकी या पटड़ा भी लगा सकते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने एक चौकी बिछा ली है और उस पर मैंने लाल रंग का वस्त्र यहां पर मैंने बिछा दिया है। अब हमें अक्षतों से भी आसन हम दे सकते हैं, या आप फूलों से भी आसन दे सकते हो। जहां पर आपने जो भी आपने चौकी या पटड़ा बिछाया है, उस पर मैंने यहां पर फूलों से आसन देकर जो भी आपके पास फोटो या माता की स्वरूप है, मूर्ति है, उसको आप यहाँ पर विराजमान कर दें। मेरे पास माता रानी का यह स्वरूप है, तो मैंने ये स्वरूप माता रानी का जो फोटो है, मैंने यहाँ पर मूर्ति है उसको यहाँ पर विराजमान कर दिया है। और अब देखिए, हम बिल्कुल सरल तरीके से ये पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कलश की स्थापना नहीं कर रहे हैं। हमें जल से भरा एक लोटा लेना है। आप पीतल का, तांबे का या मिट्टी, इन तीनों में से किसी भी धातु का लोटा ले सकते हैं। तो कलश के ऊपर हमने गणपति जी की भावना से स्वास्तिक बना लिया है और कंठ पर हमने मौली बांध दी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना जो कलश है वो तैयार कर लिया है। कलश के ऊपर हम कटोरी या प्लेट में चावल भरकर रखने हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक कटोरी में चावल ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने कलश के ऊपर रख दिए हैं। अब हमें एक सिक्का लेना है। आप चाहो तो चांदी का सिक्का भी, अगर आपके पास है तो चांदी का सिक्का रख सकते हो, नहीं तो आप कोई नॉर्मल सिक्का है वो आप अक्षत के ऊपर रख सकते हैं, रख देना है। अब हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ हमें शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और दीपक जलाने के साथ ही हमें धूप दीप हम प्रज्वलित कर लेंगे। तो अब हमें शुद्धिकरण करना है। हमने अपना दीपक जला दिया है, अब शुद्धिकरण करेंगे। गंगा जल से हम शुद्धिकरण करेंगे। तो जो गणपति जी की भावना से जो हमने स्वास्तिक बनाया है, उस पर हमने शुद्धिकरण सबका कर दिया है। अगर आप चाहो तो गणपति जी को भी विराजमान कर सकते थे, लेकिन मैंने जो कलश है उसमें स्वास्तिक बनाकर वहां पे गणपति जी को विराजमान कर दिया है। अब फ्रेंड्स, अब देखिए, अब यहाँ पर हमने स्नान करा दिया। अब सब वस्त्र सुबह मैंने कलावा समर्पित कर दिया है, फूल समर्पित कर दिए हैं गणपति जी को, माता रानी को। अगर आपके पास चुन्नी है तो चुन्नी जरूर समर्पित करें, चुन्नी नहीं है तो आप केवल कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, हमने माता रानी को चुन्नी समर्पित कर दी है, फूल समर्पित कर दिए हैं और अब हम माता रानी को तिलक करेंगे। सभी माता के स्वरूपों को तिलक कर देंगे। अब पहले हम कलश को तिलक करेंगे, फिर हम माता के स्वरूप को तिलक करेंगे। देखिए, नवरात्रों के प्रथम दिन आप चाहो तो माता रानी को फूलों की माला भी पहना सकते हैं। तो माता रानी तो भाव की भूखिया, चीजें कम ज्यादा हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, भाव सच्चा होना चाहिए। और जो भोग प्रसाद में आप पतासे का महत्व बहुत ज्यादा रहता है, तो आप पतासे जरूर समर्पित करें। फूल वाली लौंग उसके ऊपर जोड़ा रखकर आप उसको समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद माता रानी के पास आप जो ऋतु फल है वो समर्पित करें। माता अपने बच्चों के भाव को देखकर शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। सुविधाओं का कम ज्यादा होना जरूरी नहीं है, केवल भाव का अच्छा होना जरूरी है। तो माता रानी को हो सके तो आप सुहाग की चीजें भी जरूर भेंट करें। 2, 4, 5 जो भी सुहाग की चीजें आपसे बन सकती हैं वो आप जरूर भेंट करें। उसके बाद दक्षिणा, आप अपने ही पहले ही दिन भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। आप चाहो तो अष्टमी और नवमी के दिन भी आप दक्षिणा को समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर दी है। अब देखिए, नवरात्रि में जिस तरह से कलश स्थापना का बहुत अधिक महत्व होता है, उसी प्रकार हवन का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो हम यहाँ पर हवन नहीं कर रहे हैं, केवल हम कपूर जलाना है और साबुत लौंग का जोड़ा आप उसमें समर्पित कर देंगे। देखिए, मैंने कपूर जला ली है, लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। ये साबुत लौंग है, इसका एक जोड़ा हमें चढ़ाना है। जो भोग प्रसाद हमने माता रानी को चढ़ाया था, बतासे या मिष्ठान जो भी है, उसका छोटा सा टुकड़ा तोड़कर हम उसमें कपूर में डाल देंगे, क्योंकि अग्नि में से भोग सीधा माता तक पहुंचता है। अग्नि को देवताओं का मुख माना जाता है। अग्नि में हम कुछ भी समर्पित करते हैं तो वह सीधा देवताओं तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से हमें माँ को भोग समर्पित करेंगे और उसके बाद हमें माँ की आरती उतारनी है। आप चाहो तो जो हमने ये कपूर जलाया उससे से भी आरती कर सकते हो, या हमें जो हमने दीपक प्रज्वलित किया हुआ है हम उससे भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए, मैं दीपक से आरती कर रही हूँ। बड़े ही प्रेम पूर्वक हमें माता रानी जी की आरती करेंगे। अगर आप चाहो तो जो भी आपको आरती आती हो कर सकते हैं। उसके बाद दाहिने हाथ में शुद्ध जल लेना है और उसको 3 बार से हमें ऐसे पूजा करके हमें आचमन कर वार कर आचमन कर देना है और हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना कर लेंगे कि माँ, हमारे पास बहुत अधिक साधन नहीं थे या समय नहीं था, जिस
जिसके कारण हमने आपका ये छोटा सा पूजा की है, छोटा सा जो व्रत का विधान किया है, तो पूजा करके आप हमारी अर्चना को स्वीकार करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। और पूजा में किसी भी तरह की भूल चूक हो गई हो तो कृपा उसे क्षमा करें। तो देखिए, अगर आपके पास समय है तो पूरे विधि विधान से नवरात्रि का पूजन करें, और अगर समय न हो तो आप आसान विधि से भी आप पूजन कर सकते हैं। पूरे 9 दिन तक आपको माता रानी को और कलश को भी यहीं पर स्थापित रहने देना है। इसी तरह आप पूरे 9 दिन तक पूजन करेंगे, दोनों समय आप माँ को भोग और जल समर्पित करें, दोनों समय आरती करें। और इस पूजा के समय अगर समय है तो दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तमी या रामायण का भी पाठ कर सकते हैं। 9 दिन के अंदर देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वह बहुत अधिक विशेष माने जाते हैं। अगर आपके पास समय का भाव है तो छोटे ही रूप में सही पूजा जरूर करें, क्योंकि नवरात्रों में की गई पूजा पाठ जब तब का हमारे जीवन में आई जो भी कठिनाइयाँ होती है उसका निवारण माता समय आकर करती है, उसकी कृपा प्राप्त होती है और जो भी साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि का हमेशा वास रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की, जय माता की, जय माता की।